नमस्कार दोस्तों, वीडियो के अंदर जो बूस्टर था अपना IBPS RRBs के लिए और जो PO के लिए उसको डिस्कस करेंगे। तो RRB का PO का तो मेन एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसमें एक दिक्कत हो गई कि हमने PDF का लिंक बोला सर कैप्सूल पूरा नहीं हो पाया। भाई कैप्सूल पूरा हो गया था और जो PDF का लिंक था हमने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। आप लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए नहीं है, तो जो कुछ लोगों की शिकायत थी सर RRB PO का एग्ज़ाम हो गया आपने कैप्सूल का PDF नहीं दिया, तो वो बात गलत है क्योंकि हम लोगों ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। हमारे पास और कोई कम्युनिकेशन लेवल नहीं था वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप लोगों के लिए। और वैसे लास्ट वीडियो में मैंने लिंक भी दिया था अपनी जो नई वेबसाइट है bankersway.com का, ठीक है, तो वो उसके बारे में आगे आप लोगों को बता भी दूंगा मैं। तो वहाँ पे PDF आ चुका है, फेसबुक पे अपडेट हो चुका था उसका, लेकिन आप लोग फेसबुक पे नहीं थे इस वजह से वो हो गया, ठीक है। तो आप लोग अपडेट रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बैंकर्स पॉइंट और जो फेसबुक का जो ग्रुप और पेज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ पे चले जाइए, उसको लाइक कर लीजिए ताकि जो PDF कभी आए कोई लिंक हो मैं वहाँ पे शेयर कर पाऊँ। यूट्यूब पे मैं लिंक नहीं दे सकता, कितना दूंगा मैं यूट्यूब पे? एक 40 सेकंड का वीडियो यूट्यूब पे लिंक के लिए दूंगा भी तो कौन, मतलब कितने लोगों तक पहुँचेगा वो? फेसबुक पे रहेंगे तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बैंकर्स पॉइंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया आप लोगों के लिए जहाँ पे आप लोग ऑनलाइन घर बैठे पूरी की पूरी कोचिंग अपनी कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ऊपर दिए गए नंबर और नीचे दी गई वेबसाइट पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वेबसाइट मैं आप लोगों को बता रहा था वो ये वाली वेबसाइट है जहाँ से आप लोगों को PDF डाउनलोड करना है। ये मैंने हर PDF के अंदर शो भी की थी, तो आप एक बार देख के जा भी सकते थे इसके ऊपर। तो अभी चले जाइए जिन्होंने नहीं, ये IBPS PO के लिए काफ़ी यूजफुल ये रहेगा। तो हम लोगों ने 6 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे 15 में से। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग कमेटीज़, न्यू स्कीम्स एंड प्रोग्राम, डिफेंस एंड स्पेस और इवेंट एंड समिट्स, ये सारी चीज़ें अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये कमेटीज़ आ गई हैं, कौन कौन सी कमेटी किस किस के लिए बनी है तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के लिए कमेटी बनी थी, इसको बढ़ाने के लिए, तो रतन पी वटाल इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, हेड कर रहे हैं इसको, ठीक है। कमेटी टू स्टडी फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग इश्यूज इन इंडिया, हेडेड बाय सुदर्शन सेन, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कमेटी का नाम पूछेगा और उसके बाद में उसको हेड कौन कर रहा है वो पूछेगा, तो बस यही चीज़ें आप लोगों को करनी है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है, इसका जो नाम है दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, शॉर्टकट नाम इसको दिशा दिया गया है, ठीक है। इसको जो हेड कर रहे हैं वो बैन की मोन कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना और PDF में भी आपको लोगों को मिल जाएगी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूट GST कमेटी ऑन एक्सपोर्ट, हेडेड बाई डॉक्टर हसमुख अधिया, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये GST रिलेटेड क्वेश्चन है। सेबी ने कमेटी बनाई है, ठीक है, फेयर मार्केट कंडक्ट के ऊपर, ठीक है। ये जो हेड करेगा इसको, जो लोकसभा सेक्रेटरी थे, पूर्व फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी एंड लॉ सेक्रेटरी TK विश्व, ठीक है, नाथन, ये इसको हेड करेंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करता हूँ नेक्स्ट कमेटी की, ठीक है, तो फॉर्मर एपेक्स कोर्ट के एक जज हैं ये, जस्टिन BN श्री कृष्णा, ठीक है। तो ये की डाटा प्रोटेक्शन इश्यू के ऊपर एक रिसर्च करेंगे, तो ये कमेटी के ये चेयरमैन बने हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है सेफ्टी मेजरमेंट फॉर वुमन इन IT सेक्टर, ठीक है, तो इसकी जो हेड है वो रश्मि शुक्ला कमेटी, इसका नाम भी है और इसकी जो हेड है वो रश्मि शुक्ला हैं। फर्स्ट इंडिया का एक स्टेट त्रिपुरा बन गया है जिसने कमेटी बनाई है, ठीक है, एग्जामिन द कंप्लेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट देयर हस्बैंड एंड इन लॉज, और जो हस्बैंड है यानी सास ससुर और जो पति है, वो अगर कोई ऑफेंस करते हैं या फिर कोई हरेसमेंट वगैरह कुछ होता है किसी लेडीज के साथ, तो उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है, जो कहाँ बनाई गई है, त्रिपुरा के अंदर बनाई गई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जिसने कमेटी बनाई है, स्क्रीनिंग कमेटी ऑन एंटी प्रोफाइटरिंग, ठीक है, इसके ऊपर कमेटी कौन से स्टेट ने बनाई है, तो हरियाणा आप लोगों का आंसर होना चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे कमेटीज पर, मैंने इंपॉर्टेंट कमेटी सारी आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। अब अपन बात करेंगे स्कीम्स और प्रोग्राम्स के ऊपर। देखिए PM मोदी ने एक योजना लॉन्च की है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, काफ़ी सारी योजना लॉन्च हो गई है, तो सारी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, तो इसको सौभाग्य योजना ही बोल देते हैं, ठीक है, तो ये पूरा नाम भी हो गया सौभाग्य, भी इसको शॉर्टकट, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ओवर 4 करोड़ फैमिलीज, 4 करोड़ फैमिली ऐसी है जिनको अभी भी कनेक्शन नहीं है, तो उनको रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर दिसंबर 2018 तक अपन लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है। नेक्स्ट कमेटी, ये जो कमेटी थी है सहज बिजली हर घर योजना, देखो कमेटीज़ में थोड़ा, ये जो स्कीम्स हैं कमेटीज़ नहीं, स्कीम्स में थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ लो। इसका जो बजट है वो 16,320 करोड़ रुपये है, ठीक है,
और यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, इन्होंने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किए, मोटा ईशानपुर विलेज इन गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये भी हो सकता है कहाँ लॉन्च किए, तो गांधीनगर का भी नाम आ सकता है, ये विलेज का नाम भी आ सकता है, और योजना है प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना। तो मेनली ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया गया इसको। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक सब स्कीम आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना एगे, ठीक है, ये लॉन्च की है एज ए पार्ट ऑफ जो पुरानी योजना है ना इनकी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके तहत ये सब योजनाएं चलाई गई है रोजगार देने के लिए लोगों को। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत ये योजना चलाई गई है। ठीक है, तो आपको आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना ये याद रखना है, किसके अंडर कौन सी योजना की सब योजना, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इस योजना के अंदर जो इसका जो शॉर्टकट नाम है DNRLM, पूरा हिंदी और इंग्लिश मिला के, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, और ये रोड ट्रांसपोर्ट को ऑपरेट करेंगे इन बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, ये आप लोगों को मतलब अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बन जाएगा, लोगों को जॉब्स भी मिल जाएंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे हो जाएंगी। तो ये बस योजना याद रखनी है आप लोगों को। पंजाब गवर्नमेंट ने एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है अपनी गड्डी अपना रोजगार। तो इसमें अपनी गड्डी अपना रोजगार नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो 100 उबर मोटर बाइक इसके अंदर लॉन्च की गई हैं। ठीक है, तो ये बस योजना रोजगार देने के तहत ये योजना वहाँ के जो सीएम साहब हैं उन्होंने लॉन्च की है गवर्नमेंट के अंडर। सीएम फडणवीस जो कि कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के सीएम हैं। महालाभार्थी एक वेब पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है जिसके बारे में शायद मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होंगे कि जो भी बंदा होगा, जो भी सिटीजन होंगे, वो जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वहाँ पे वो अपने आप को देख सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, और कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी वो लोग सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 7 जो स्कीम थी ना हेल्थ से रिलेटेड, उनको एक मर्ज कर दिया है, एक जगह यूनिफाइड कर दिया है, और जो नाम रखा गया नई योजना का वो है आरोग्य भाग्य। तो सीधा से आरोग्य भाग्य योजना किसने लॉन्च की, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इससे क्या होगा कि जो अन मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठता था योजनाओं का वो कम हो जाएगा, बस सरकार ने यही सोच के इसको किया होगा। टू आइडेंटिफाई एंड नर्चर इनोवेटिव स्टार्टअप्स को मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनमें मतलब पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की है स्कीम एलिवेट 100। ठीक है, तो इसके अंदर 100 मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट इसके अंदर सपोर्ट करेगी, बस यही है इसके अंदर। तो एलिवेट 100 कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। प्रेसिडेंट कोविंद ने 100 करोड़ रुपीज़ माता अमीर ये जो भी नाम है मैथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जीवन मृतम टू प्रोवाइड द फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर क्लीनिंग ड्रिंकिंग वाटर टू 5000 विलेज। 5000 लोगों को इसके अंदर मिलेगा पानी, और कोल्लम डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर ये लॉन्च की गई है। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन एक बार रीडिंग मार लेना याद आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, EESSL, ठीक है, फुल फॉर्म एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उजाला, पहले भी मैं लास्ट एग्जाम्स के कैप्सूल में बात कर चुका हूँ इसके बारे में, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लाइटिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो स्कीम इन मेलका मलेशिया के अंदर इसको लॉन्च किया गया, अंडर दिस ईच हाउस होल्ड विल गेट 10 हाई क्वालिटी 9 वाट एलईडी बल्ब्स। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेज पीटी दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्रामीण संकुल परियोजना, इन्होंने ये परियोजना लॉन्च की है। ठीक है, टू टेक फॉरवर्ड द इनिशिएटिव ऑफ पीएम मोदी फॉर न्यू इंडिया मूवमेंट फ्रॉम 2017-12 के अंदर, संकल्प से सिद्धि अटेनमेंट थ्रू रिजोल्व प्रोग्राम ऑर्गेनाइज एज कोयम्बटोर। ठीक है, तो ये कोयम्बटोर में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, संकल्प से सिद्धि इसका ये स्कीम हो गई एक तरीके से। यूनियन मिनिस्टर फॉर HRD लोन स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत प्रोग्राम इन कोची केरला। तो बस जगह का नाम याद रखना है, कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च की ये याद रखना है, और योजना का नाम याद रखना है। नीति आयोग ने मेंटर इंडिया कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 900 थिंकर्स लैब इसके अंदर बनेगी। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है बस आपको, नीति आयोग ने लॉन्च की है। ठीक है, और CCEA अप्रूव्ड द रिमेनिंग ऑफ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम संपदा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा आप, स्कीम फॉर एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स। ठीक है, एज ए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंडरगेट इसको लॉन्च किया गया है संपदा योजना को।
ठीक है, और ये 14th फाइनेंस कमीशन साइकिल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, युवा नाम से एक योजना प्रोग्राम निकाला गया है, YUVA युवा नाम से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला गया है। ये दिल्ली पुलिस के अंडर में कुछ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे तैयार की जाएंगी प्राइवेट लेवल के ऊपर, तो वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री व्यावधान योजना PMVVY, इनकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान से देख के जाइएगा फुल फॉर्म्स। ए पेंशन स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स के लिए मतलब बनाई गई है, और 8% फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दियर सेविंग, अगर कोई सेविंग करता है तो उन्हें 8% उनके ऊपर सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जिज्ञासा स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम वाज लॉन्च इन दिल्ली। अब देखो एक ऐसे पिच पूछा जाएगा सीधा सा कि स्टूडेंट और साइंटिस्ट के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, तो आपको याद होना चाहिए जिज्ञासा नाम से एक प्लेटफॉर्म रिलीज किया गया है, एक योजना रिलीज की गई है, ओडिशा गवर्नमेंट ने एक संपूर्णा, उसकी फुल फॉर्म ये हो गई, ठीक है, योजना स्कीम लॉन्च की है फॉर प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए, तो बस सीधा याद रखना प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए किसने लॉन्च किया, ओडिशा गवर्नमेंट ने संपूर्णा योजना लॉन्च की, इसकी फुल फॉर्म आ सकती है मैक्सिमम। ठीक है, पैसेंजर्स जो होंगे दिल्ली पुलिस वुमेन सेफ्टी मोबाइल एप्लीकेशन हिम्मत वाया कैब एग्रीगेटर उबर, यानी कि जो हिम्मत ऐप होगी उसको इंटीग्रेट कर दिया उबर के अंदर ही, कोई दिक्कत होती है तो वो हिम्मत ऐप वहीं पे लॉन्च हो जाएगी उबर ऐप के अंदर ही, और वहाँ से हेल्प ले सकते हो तुम दिल्ली पुलिस से। ठीक है, जो CM नवीन पटनायक है उन्होंने सी मीन्स बिजनेस ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है फॉर फेसबुक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इन ओडिशा के अंदर, ये लॉन्च किया ओडिशा के जो CM है नवीन पटनायक ने। ठीक है, महाराष्ट्र के जो CM है देवेंद्र फडणवीस लॉन्च है नमो युवा रोजगार केंद्र इनिशिएटिव प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू अनएम्प्लॉयड यूथ इन मुंबई, मुंबई के अंदर जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनके लिए ये योजना रिलीज की गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिवाइज्ड पॉलिसी मांझी कन्या भाग्यश्री स्कीम लॉन्च की है, जिसके अंदर जिसकी इनकम 7.5 लाख से कम है या फिर वहाँ तक है उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ये यहाँ पे स्पेस न्यूज़ के, जो अपनी स्कीम्स और कमेटीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी है, यहाँ पे स्पेस न्यूज़ जैसे इसरो वगैरह की जो न्यूज़ है वो अपन लोग बात कर लेते हैं। इसरो ने एक रिसर्च सेंटर नया लॉन्च किया गुवाहाटी में, एक सेकेंड ये आई मिट गया, गुवाहाटी के अंदर। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है। रशियन एंड US स्पेस एजेंसी रोसकॉमस एंड नासा हैव एग्रीड टू जॉइंटली बिल्ड अप ए डीप स्पेस गेटवे, द फर्स्ट एवर एस्ट्रोनॉट टेंडेड स्पेस स्टेशन अराउंड द मून, तो ये याद रखना किन किन ने बनाया है मून के अराउंड। इसरो फेल हो चुका है टू सक्सेसफुली फ्रेश दिस इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर ऑर्बिट के साथ ये कोलोबरेशन करके था तो ये फेल हो गया है इसका जो लॉन्चिंग था वो। इसरो इज ऑल सेट टू लॉन्च PSLV 3C39। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आप देखो PSLV 3C9 आपको पता होना चाहिए, इसके अलावा इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, इसको इसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये लॉन्च किया जा रहा था आपका। ठीक है, कि ये नेविगेशन सिस्टम इंडिया खुद का बनाना चाहता उसके लिए करना जा रहा था, तो ये इसका जो नाम नेवी आईसी भी इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम का। ठीक है, तो नेविगेशन सिस्टम से ये दोनों सैटेलाइट आपको रिलेट करके याद करने हैं। नासा ने लॉन्च किया है इस लेटेस्ट सीरियल ऑफ सैटेलाइट सीरीज ऑफ सैटेलाइट एम्ड एट इंश्योरिंग एस्ट्रोनॉट एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैन कम्युनिकेट विद अर्थ, वहाँ से डायरेक्ट अर्थ पे आप मतलब कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, तो इसका पूरा डिटेल आप लोग पढ़ लेना वहाँ पे क्या क्या सीटी है, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना सफिशिएंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम ए टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट हैज़ क्लेम टू हैव डिस्कवर्ड एन एक्सट्रीमली लार्ज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, नाम क्या रखा है सरस्वती, किसने फाइंड किया, इसरो ने फाइंड किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाली न्यूज़ तो इतना वो नहीं है पढ़ने लायक, इंटरनेशनल हो गई है भी। ठीक है, तो ये हो गया अपना इतना इसके अंदर, तो स्पेस न्यूज में वही इसरो से रिलेटेड न्यूज ज़्यादातर पूछता है वो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इवेंट और समिट्स की। देखिएगा, मैंने कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स ही लिए हैं, होपफुली इन्हीं में से कुछ आ जाएगा, इसके अलावा भी कुछ हुए हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट सारे के सारे इसके अंदर ही कवर कर दिए, तो और उन समिट्स और इवेंट्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी इसके अंदर कवर कर दी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक या दो क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12th G20 समिट 2012 हेल्ड कहाँ पे हुआ है, हैमबर्ग जर्मनी में हेल्ड हुआ है। थीम क्या है, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। ठीक है, ये रह गया, और जो 13th G20 समिट होगा वो अर्जेंटीना के अंदर होगा 2018 के अंदर,
तो ये तीन चीज़ें ही हमेशा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी समिट और इवेंट के अंदर। आपको जीके पढ़ना आना चाहिए। इवेंट में तो हज़ार चीज़ें हुई होंगी, कितने देश के लोग आए, हज़ार स्कीम्स हुई होंगी, हज़ार कोलोबरेशन्स हुए होंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछता है वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कैप्सूल बनाते हैं। ठीक है, मीटिंग हुई है हेड स्टेट ऑफ काउंसिल और संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ हुई है, अस्ताना में हुई है। प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान चेयर्ड, उन्होंने मतलब अध्यक्ष थे वो वहाँ पे। ठीक है, और ये पूरा नाम हो गया। ड्यूरिंग द मीटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम फुल मेंबर ऑफ SCO, फुल मेंबर बन चुके हैं संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। बीजिंग चाइना इज हेडक्वार्टर ऑफ SCO, तो हेडक्वार्टर भी मैंने यहाँ पे बता दिया अगर कहीं पे मान लीजिए पूछ लेता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगी, 2018 के अंदर चाइना के अंदर होगी। नाइन्थ ब्रिक्स समिट हेल्ड हुआ जियामेन चाइना के अंदर, ये हुआ है। ठीक है, फाइव पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर, पता ही है सबको, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तो बहुत फेमस है, ऐसा पूछेगा भी नहीं। थीम क्या है, ब्रिक्स स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर ब्राइटर फ्यूचर, ये होगी इसकी थीम। ठीक है, फोर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग ऑन इकोनॉमिक ट्रेड कॉरपोरेशन साइन हुए ब्रिक्स कंट्रीज के बीच के। ठीक है, कॉमर्शियल टाइज के लिए चार एग्रीमेंट साइन हुए, तो वो आपसे पूछ सकता है। चाइना ने $80 मिलियन, ठीक है, अप्रोक्स है ये डाटा, फंडिंग प्लान फॉर ब्रिक्स चाइना ने अपनी तरफ से निकाला है कि 500 मिलियन युआन अगर मैं करें अपन लोग फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन प्लान, अनदर 4 मिलियन फॉर प्रोजेक्ट्स एट द ब्रिक्स कंट्रीज, NDB स्टेट चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने ये फंड यहाँ पे ब्रिक्स कंट्रीज के लिए रिलीज किया है चाइना की तरफ से। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो फटाफट बात कर लेते हैं। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा 2017 के अंदर न्यू दिल्ली में लॉन्च की है, जो थीम थी वो थी योगा फॉर वेलनेस। फिफ्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च हुआ है। ठीक है, इंडियन एशियन यूथ समिट 2017 भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है, जो थीम थी शेयर्ड वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनी। फर्स्ट एशियन इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली, शेयर वैल्यूज़ कॉमन डेस्टिनी, दोनों हुआ है, ये म्यूजिक के अंदर भी हो गया और यूथ समिट भी हो गया, तो दोनों की थीम सेम ही थी। फोर्थ इन इंडियन यूरोपियन यूनियन 2017 की जो समिट हुई वो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुई है। एट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट GES 2017 हैदराबाद इंडिया के अंदर हुआ है। थीम समिट के लिए जो थी वो वुमन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल ये थी। ठीक है, थर्ड इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2017 चेन्नई के अंदर हुआ है। इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2017 न्यू दिल्ली के अंदर हुए। 19 UN क्लाइमेट चेंज समिट बोन जर्मनी के अंदर हुआ है। एशियन 30th and 31st को ये हुआ है 2017 समिट, ये डेट ऐसे ही डाल दी होगी तो इसको मत वो करो, मैटर नहीं करता। ये 2017 का जो समिट है वो मलीना फिलीपींस में हुआ है। 29th APEC 2017 समिट ये दनंग वियतनाम के अंदर हुआ है। फोर्थ बिमिस्टिक 2017 जो समिट है वो काठमांडू नेपाल के अंदर हुआ है। 43rd G7 समिट 2017 सिलिगी इटली के अंदर हुआ है। थीम फॉर द समिट थी बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ रिन्यूअल ट्रस्ट। ठीक है, नाटो का जो समिट है ब्रुसेल बेल्जियम के अंदर हुआ है। थर्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट कहाँ हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो ये कुछ चीज़ें डिटेल में मैंने नहीं बताई है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो मैंने बताया वो सफिशियंट है एक बार एग्जाम के लास्ट में बूस्टर के लिए। बाकी आप पढ़ो पूरा ही, जहाँ से जो मिलता है, कैप्सूल मिलता है, कहीं और से मिलता है, पढ़ो आप पूरा। लेकिन ये हम लोग इंपॉर्टेंट बताते हैं बस आप लोगों को, एक या दो पार्ट और इसका मैं बनाऊंगा। और जो हाँ, डाउनलोड करने के लिए बड़े ही शिकायतें आ गई यार, bankerswe.com यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए इसको। दोबारा से स्पेलिंग बोल रहा हूँ, bankerswe.com। दो PDF पढ़ी हैं, जो स्टैटिक जीके है उसकी PDF भी पढ़ी है वहाँ पे, तो जाके डाउनलोड कर लीजिए वहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, bankerswe.com पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा जो IBPS PO वाले हैं वो ये पांच वीडियो तो देख ही लो भाई, इसको दोबारा मैं शूट करके नहीं डालूंगा IBPS PO के लिए। ठीक है, वो उसके अलावा जो कुछ बच गया है 15-20 दिन का जिक्र, वो मैं डाल दूंगा, और होपफुली जो बाकी एक दो वीडियो वो आज ही आ जाएंगे। कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती है, मैंने उस दिन भी बोला था नहीं आ पाई, लेकिन आज आ गई है वीडियो। और जो RRB PO थे उनके लिए मैं माफ़ी चाहूंगा, लेकिन भाई तुम्हारी भी गलती हुई, तुम फेसबुक पे नहीं थे तो वो वहाँ पे लिंक हमने शेयर कर दिया था, हमने सोचा स्टूडेंट तक बात पहुँच गई, जो इंपॉर्टेंट है हमारे साथ, जो कनेक्ट करना चाहते हैं वो तो है ही वहाँ पे। तो 8,000-9,000 स्टूडेंट है वहाँ पे, सारे के पास बात पहुँच गई ग्रुप प्लस पेज मिला के, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं देखनी है। तो आप लोग हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाइए, वेबसाइट पे जुड़ जाइए, bankerswe.com जो हमारा नया इनिशिएटिव है, वहाँ पे आप लोगों को फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नए वीडियोस आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, जो PO का जो जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको बहुत बहुत बधाई है, और मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो, कैप्सूल वैप्सूल पढ़ो तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
जो लोग पहली बार देख रहे थे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।